और साथ में देखोगे अभी तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि ओवी 44 का जो अपडेट है वो कब आएगा, क्योंकि पहले तो गोल्ड वाला बंडल आता था जिससे हम लोग को मालूम चल जाता था जैसे गोल्ड वाला बंडल जाएगा वैसे वो भी अपडेट आ जाएगा, बट यहाँ पे तो गोल्ड वाला का ही अता पता नहीं है इस बार। सो मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में नेक्स्ट वाले जो गोल्ड वाला बंडल है ये फिर दिखाऊंगी और साथ में ओवी 44 का जो अपडेट है ये किस दिन आएगा मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, और ओवी 44 अपडेट के बाद में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से न्यू मेगा इवेंट सीखने को मिलेंगे और क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगा, और ओवी 44 अपडेट के बाद क्या क्या आने वाला है आप लोग को सारा कुछ बताने वाली हूँ, और साथ में जो ओवी 44 का जो एनवास सर्वर है ये कब आएगा ये भी मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत सारा अपडेट है ओवी 44 अपडेट को लेके, तो आप लोग वीडियो को पूरी देख रहे हैं, स्किप करोगे तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो चलो इस वीडियो को टाइम वेस्ट करते हैं फिर स्टार्ट। सो चलो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ ओवी 44 का जो अपडेट है ये किस दिन आने वाला है, क्योंकि किस दिन आएगा ये पता चलेगा फिर तो आगे की बात बताऊंगी ना क्या क्या आने वाला है। बाकी देखो इस गोल्ड वाले से तो पता नहीं चलेगा कि जो ओवी 44 का अपडेट आने वाला है वो कब आएगा, बट सो वेपन वाले से पता चल जाएगा। और देखो मैंने कैसे पता किया, देखो वेपन रोल को अभी जाने में 56 दिन बाकी है, और ये सब वेपन रोल की पिक है ये मैंने 21 फरवरी को लिया है। सो अभी 21 फरवरी है, सोचो और जो 56 दिन बाकी है, तो 56 दिन में अभी 8 दिन बाकी है फरवरी का, तो इसको माइनस करते हैं। फिर जो मार्च का मंथ है वो 31 दिन है, तो इसको भी माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 17 बचा है। तो सो ओवी 44 का जो अपडेट है ना ये 17 अप्रैल को आएगा, वो भी 101% कंफर्म। सो अभी मैंने आप लोग को बता दिया ओवी 44 का जो अपडेट है वो किस दिन आएगा, 17 अप्रैल को ओवी 44 का जो अपडेट है वो आने वाला है। और ऑफिशियल में आप लोग को बताती हूँ जो एनवास सर्वर है ये आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, तो देखो इस ओवी 44 का जो अपडेट का एनवास सर्वर है ये आप लोगों को 20 मार्च को देखने को मिल जाएगा, और 20 मार्च से आप लोग को यहाँ पे 15 अप्रैल या फिर आप लोग को 7 या 8 अप्रैल तक जो एनवास सर्वर है वो खेलने के लिए मिल जाएगा, और फिर जाके बंद हो जाएगा, और फिर आप लोग का जो भी 44 का जो अपडेट है वो आप लोग को 17 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग का एनवास सर्वर खेलना है ओवी 44 अपडेट का तो आप लोग को 20 मार्च तक वेट करना पड़ेगा, 20 मार्च को ही आप लोग को एनवास सर्वर मिलेगा, और ओवी 44 अपडेट में कौन से चेंजेस होने वाले और क्या क्या आने वाला है आप लोग को एनवास सर्वर से सारा कुछ पता चल जाएगा। और ओवी 44 अपडेट के बाद में आप लोग को जो पेट है ना ये पेट जो आप लोग देख रहे हो ये आप लोग को गोल्ड से पैसे करने को मिल सकती है। ओवी 44 अपडेट के बाद ही आप लोग को जो पैट है वो आप लोग को गोल्ड से मिल सकता है, सारे तो नहीं मिलेंगे बट कोई कोई जो पैट है ये आप लोग को गोल्ड से परचेस करने को भी मिल सकता है नेक्स्ट सर्वर में, और बाहर के सर्वर में तो आप लोगों को कंफर्म ही देखने को मिल ही जाएगा। सो बाहर के सर्वर में एक सर्वर में आ चुका है बैट इन गोल्ड इवेंट, जहाँ पे पैट फिर आप लोग यहाँ पे गोल्ड से परचेस कर सकते हो, 10,000 गोल्ड से आप लोग को पैट मिल जाएगा। सो ये जो बैट इन गोल्ड इवेंट है ये आप लोग को ओवी 44 अपडेट के बाद देखने को मिल सकती है, और अभी 100% कंफर्म जब बैनर ऊपर नहीं आया सो आने तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और ओवी 44 अपडेट के बाद पॉसिबल है कि आप लोगों का सब एम आर वर्क थीम में सब इतने सारे गन की स्किन बना है गई ना फॉलो ने थीम की इनकी स्किन, सो आप लोग को यहाँ पे गोल्ड से देने वाली है। सो ये फिर आप लोग को ओवी 44 अपडेट के बाद ही पॉसिबल है कि आप लोग को स्टोर के अंदर ये सब सारी गन की स्किन से ये एड हो जाएगी, और एड हो जाएगी तो आप लोग यहाँ पे सब इनके स्किन से थीम वाली या आप लोग यहाँ पे गोल्ड से परचेस कर पाओगे, और ये अभी तक कोई भी इवेंट में नहीं आया है, इंडिया सर्वर में अभी तक पेंडिंग में ही पड़ा है। और ओवी 44 का जो अपडेट अभी चल रहा है इसी अपडेट में ये वाले जो वन के स्किन्स का स्टोर है ये आ सकता था, बट करीना वालों ने अभी दिया नहीं है। सो आप लोगों को पॉसिबल है कि ओवी 44 अपडेट में सो ये वन के स्किन से थीम वाली एम आर वर्ड को पैट की या आप लोग को गोल्ड से एक्सचेंज करने को मिल जाए स्टोर के अंदर एट हो जाए, और बाकी इसको लेके कंफर्मेशन आएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो वन के स्किन से आप लोग को MT14 की यहाँ पे आप लोग को मिल रही है, साथ में जो फार्मेसी गन की स्किन है वो आप लोग को मिल जा रही है, AK-47 की भी आप लोग को यहाँ पे गन की स्किन मिल रही है जिसके एटीपीएस वगैरह अच्छा नहीं है, बट जो गन की स्किन है जो न्यू बंदे आते हैं न्यू प्लेयर्स आते हैं उनके लिए अच्छा है यहाँ पे गन की स्किन उनको मिल जाएगी।
भाई आप लोग भी परचेस कर सकते हो। बाकी जो बन के सीन है वो बस दिखाने को है, और इसका जो आर्टिफिस वगैरह वो अच्छा खासा नहीं है, सो आप लोग को कोल से ही मिलेगा और फ्री के इवेंट में भी मिल सकता है, बट OB44 अपडेट के बाद ही आप लोग को देखने को मिलेगा। और इस OB43 के अपडेट में आप लोग को पता है होली का इवेंट, रमजान का इवेंट, समर का इवेंट है, ये चलने वाला है। सो अभी पता है आप लोग को कोई भी जो होता है एनवी के साथ में कोलैबोरेशन नहीं हुआ है इस अपडेट में, तो आप लोग को OB44 अपडेट में एनवी के साथ में कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। और अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा एनवी के साथ में देखने को मिलेगा, वन पंच मैन के साथ में फिर दोबारा देखने को मिल सकता है, फिर से फिर वन पंच मैन के सो एमरजेंट के सो कनी के सीन है वो भी आ सकती है रिटर्न में। सो अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा एनवी के साथ में होगा कोलैबोरेशन, एनवी से आएगा फिर ही पता चलेगा कौन सा एनवी के साथ में कोलैबोरेशन होने वाला है। बाकी आप लोग को एनवी का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा OB44 अपडेट में सबसे पहले, फिर जाके आप लोग को देखने को मिलेगा OB44 अपडेट में आप लोग को कोलैबोरेशन के बाद में देखने को मिलेगा 7th एनिवर्सरी का बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट, जो बहुत ही मस्त होने वाला है और आप लोगों को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इस बार यदि ना वाले 7th एनिवर्सरी जो इवेंट होता है इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी के टाइम में आप लोगों को एग्जाम के लिए भी यहाँ पे गुड लक फॉल रहे, सो आप लोगों को जो 7th एनिवर्सरी का इवेंट देखने को मिलेगा इस बार यह बहुत ही मस्त होने वाला है, और आप लोगों को बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा रिटर्न में भी आप लोग को बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। और 7th एनिवर्सरी स्पेशली आप लोग यहाँ पे जो लोडिंग स्क्रीन और लोफी है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, PNC वगैरह, सो आप लोग को यहाँ पे एनिमेशन रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा, प्रोफाइल एनिमेशन भी देखने को मिलेगा और ईफो बंडल भी देखने को मिलेगा, सो मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ। और लोडिंग स्क्रीन देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बाकी आप लोग को 7th एनिवर्सरी स्पेशली ये ईफो बंडल देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग देख सकते हो 7 लिखा हुआ है, जिसका अभी तक इतना ही वीडियो क्लिप आया है, फुल कम्प्लीट हो जाएगा तो दिखा दूंगी। और आप लोग को भी 44 अपडेट के बाद एक नया लेजेंडरी और ईफो बंडल देखने को मिलेगा, सो आप लोग यहाँ पे रिव्यू देख सकते हो, बस यहाँ पे PNC क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इफेक्ट वगैरह अच्छे खासा लग रहा है, सो ये देखने को मिल जाएगा। और 44 अपडेट के बाद में आप लोगों को P90 की गन की स्किन है बिखर वाली, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, और साथ में आप लोग को सो यहाँ पे फैक्ट्री वाली गन की स्किन है P90 की, ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सो पिक वाला या फिर फैक्ट्री वाला ये दोनों गन की स्किन में से एक आप लोग को भी 44 अपडेट में 100% कन्फर्म देखने को मिलेगा, सो आप लोग को डायमंड लगा के निकालना पड़ेगा, फ्री में तो करीना देने से रहा। और P90 गन की स्किन आई है ये पिक वाली तो बहुत बंदे निकाल वाले, क्योंकि ओल्ड विक्टर रिमूव कर दिया करीना वालों ने, वही देखो ये सारी कुछ आने वाला है OB44 अपडेट के बाद आप लोग को देखने को मिल सकता है। और बाकी क्या क्या चेंजेस होगा गेम के अंदर ये तो एनिवर्सरी वाला आएगा फिर ही पता चलेगा, जो एनिवर्सरी वाला है वो 20 मार्च को आएगा। और फिर आप लोगों को OB44 अपडेट के बाद एक नया पेट देखने को मिलेगा, सो पेट क्या काम करेगा देखो, सबसे पहले तो पेट आप लोगों को इतना सारा कुछ देने वाला है, और ये पेट आप लोगों को सबसे पहले तो आप मरोगे तो आपके साथ में मर जाएगा, आप लोग कूदोगे तो यहाँ पे पापा की परी जैसा आ जाएगा यहाँ पे पंख, और साथ में नहीं हुआ यहाँ पे आप लोग के पास में एनवी रहेगा तो आप लोग को ऐसे बताएगा कि इधर में एनवी है, क्या ही मस्त पेट आने वाला है, और पेट आपके साथ साथ जाएगा और आप लोग यहाँ पे क्वालिफाइड करोगे तो आपके सो यहाँ पे आपका सो 40 इसमें आके लिपट जाएगा। और फिर आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ऐसा उछलोगे तो पैट भी आपके साथ में उछलेगा, सो ये जो पैट है ना ये न्यू पैट आने वाला है, सो यहाँ पे छिपकली भी हो सकती है और कोई भी पैट हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, अभी पैट तो पता नहीं क्या आएगा, बाकी पैट क्या काम करेगा ये पहले ही पता चल गया है, क्या ही करीना वाले करते हैं लीक थोड़ा बुरा आ ही जाता है। बाकी देखो पैट का सो एनिमेशन इफेक्ट सारे कुछ तो बता दिया, अब आने वाले दिनों में मैं आप लोग को जो पैट है वो कौन सा पैट आएगा कैसा दिखेगा ये भी मैं आप को दिखा दूंगी, इसके लिए आप लोगों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वाले की ऑन ट्रैक हो। और बाकी चलो अभी चलो वही सभी टाइम है आप लोगों का नेक्स्ट वर्ल्ड रॉयल दिखाने को, क्या ही बोलती हूँ मैं कभी कभी आप लोग को नेक्स्ट वर्ल्ड रॉयल बंडल दिखाती हूँ, सो आप लोग को 11 दिन के बाद देखने को मिलने वाला है, सो आप लोग को नेक्स्ट वर्ल्ड रॉयल के अंदर ये सो आप लोग फ्लो और जो ब्लैक कलर में बंडल देख रहे हो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसका हेयर स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है क्या, और फिर इसका जो टी शर्ट वगैरह है पेंट वगैरह ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्विच वगैरह भी अच्छा है, ये तो 99% कंफर्म है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और सो नेक्स्ट कंफर्म है ये 90% कंफर्म है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, सो रेड और ब्लैक लाइन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसका भी चांस है कि आप लोग को नेक्स्ट वाले गोल्ड रॉयल बंडल में ही देखने को मिलेगा, सो ये दोनों मेल के बंडल में से आप लोग को एक बंडल 100% कंफर्म है नेक्स्ट वाले गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिल जाएगी।
और OB44 अपडेट तक जो फ्री फायर इंडिया है ये आ जाएगा, तो आप लोगों को जो न्यू क्रिकेट देखने को मिलेगा वो आप लोगों को थाला देखने को मिलेगा, और थाला का इवेंट भी आएगा, MS Sony सर का जो इवेंट है वो भी आएगा। अगर फ्री फायर इंडिया आता है तो बाकी अभी फ्री फायर इंडिया को लेकर कोई फीलिंग फिक्र नहीं है, और आएगी तो मैं तो बता ही दूंगी। बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा, तो अपने प्यारे प्यारे ऐसे वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलो टाटा बाय बाय।